हैंड वर्क है ये देखिए. एंड व्हाट इज दिस मैम? मीटिंग न्यू पीपल. ऑलराइट. नॉट ओनली मीटिंग पीपल फ्रॉम. सो इट्स योर फर्स्ट टाइम टू विजिट इन इंडिया? या. फर्स्ट टाइम यू आर विजिट इन इंडिया? ओह सो दैट्स रियल नाइस. नाइस टू मीटिंग यू मैम. नाइस टू मीट यू टू. थैंक यू थैंक यू. अभी तीसरा दिन है. क्राउड है अच्छा खासा. बहुत बढ़िया. लास्ट टाइम से अच्छा क्राउड है ना. It's from okay summer collection. What? Is there any special in it? Where are you from? Nagaland. Okay. It's for decoration. Okay, it's only for the decoration. Yeah. All right, all right. What is this? This one for dancing. For dancing? Yeah, yeah. Alright. It's flexible? Yeah. Hi ma'am. And what is the name of dish? Osh palo. Osh palo. Osh palo. Osh palo. एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो. सो गाइस आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ फरीदाबाद में जहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला. और गाइस इसकी शुरुआत हो चुकी है 3rd February से और ये कंटिन्यू रहने वाला है 19th March तक. और गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं मेले में एंट्री ले चुका हूँ. ये जस्ट एंट्री गेट के बाद का सीन है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. और यहाँ की अगर टिकट्स प्राइस की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल डेज़ का है 120 रुपीज़ और वीकेंड डेज़ का है 180 रुपीज़. और इसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर का है. मेट्रो से आप कोई भी नॉर्मल ई रिक्शा लेकर यहाँ पर मेले में पहुँच सकते हैं जो कि आपसे सिर्फ 40 रुपीज़ का चार्ज करेगा. बाकी यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़ भी दी हुई है. सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा तो आप वहाँ पर चेकआउट करके सारी चीज़ें देख सकते हैं. बाकी चलिए अभी हम मेले के अंदर चलते हैं और आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं. और गाइस इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग अपनी अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं तो एक बार इस मेले में ज़रूर विजिट करना. तो चलिए मेले के अंदर चलते हैं और आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं. और गाइस मेले में आपको इस टाइप के काफ़ी सारे मैप इस तरीके से लगे हुए दिख जाएंगे. आप इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेले में घूम सकते हैं. और ये आप देख सकते हैं मेले में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो सारी की सारी इसमें मैंशनड हैं. ये देखिए पूरे मैप में हर जगह मेंशन किया गया है कि आप कहां पर कौन सी चीज़ें देख सकते हैं. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं मेले में एंट्री ले चुका हूं और आप देखिए गाइस कितना सारा क्राउड है. यहां पर कोई प्रोग्राम भी चल रहा है और ये पूरे मेले को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि लोग अच्छी तरीके से इस मेले का मज़ा ले सकते हैं. बाकी आप देखिए गाइस देखिए यहाँ पर त्रिमूर्ति मंदिर बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में है. ये आप देख मैम and how to use it? It's for decoration. Okay, it's only for the decoration. Yeah. All right. You can put a chocolate inside. All right, kind of like that stuff. Yeah. And what is the price? This one, 8,000. 8,000? Yeah. All right. Thank you. अब मैं आपको लेकर आया हूँ असम साइड में. और गाइस आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर हैंड से बनी काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. ये आप देख सकते हैं इस टाइप की टेबल कुर्सी ये सब देखिए आप ये जो बने हुए हैं ये आप इनको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में ले सकते हैं. तो चलिए भैया से जानते हैं. ये भैया फ्लावर स्पॉट कितने का है? सॉरी 1000 रुपीज़ का है. ओके. एंड भैया ये वाला कितने का है? भैया ये वाला कितने का है? 1500 रुपीज़ का. ओके सो गाइज आप लोग देख सकते हैं इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस. और गाइज ये है असम की शॉप नंबर 226. और गाइज आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. भैया इसका प्राइस क्या होगा? सॉरी 2000 रुपीज़. ओके भैया क्या खास बात है इसमें? इसमें असम का पूरा आइटम है. अच्छा इसीलिए इसका प्राइस 2000 रुपीज़ है. ओके हैंडमेड है ना मशीन का नहीं है. अच्छा अच्छा हैंडमेड है सारा मशीन का सिर्फ. और ये क्या है भैया? ये फूलदानी है ना फ्लावर इसको क्या बोलते हैं? अच्छा फ्लावर स्पॉट. हाँ ओके ओके ओके. एंड ये भी आई थिंक कुछ फ्लावर वगैरह है मंदिर वगैरह में यूज करने वाली. टेबल में रख सकते हैं टेबल पे फॉर द डेकोरेशन. डेकोरेशन के लिए ठीक है गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे. और भैया इसका क्या प्राइस होगा?
500 रुपीज़ का है, वुड का बना हुआ है ना ये? ओके, पूरा वुडन का ही है, सिर्फ ये बांस का है। तो गाइज आप देख सकते हैं इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड भैया ये किसका है, ये किसका प्राइस क्या होगा? 1500। एंड भैया इसका क्या प्राइस होगा? इसका 200। 200 रुपीज़ में देखिए गाइज, 1500। मैं आया हूँ तजाकिस्तान स्टॉल्स पर और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हाय मैम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ डिश? ओश पालो। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड बट यार। तो कोई डिश बन रही है इनकी यहाँ पर, राइस से कोई बिरयानी टाइप है। ओके, सो इसके बाद आप गाइस यहाँ पर ही शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप के छोटे छोटे बैग मिल रहे हैं। मैम व्हाट इज़ द प्राइस? 400 रुपीज़ का ही। आप देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ये, एंड ये मैग्नेट इसके नीचे लगी हुई है। मैम व्हाट इज़ द प्राइस? हेलो, 200 रुपीस में। आप देखिए ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं ये है तजाकिस्तान स्टॉल्स। इसके बाद गाइज एक ये वाले स्टॉल पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये आप देख सकते हैं ये डेकोरेटिव आइटम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए बच्चे को पकड़ बच्चे आप देख सकते हैं गाइस। एग्जैक्ट प्राइस 900। वाओ, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये आप देख काफी सारी आइटम आपको यहाँ पर मिलेंगी, काफी सारी डेकोरेटिव आइटम्स। ये देखिए लाइटिंग के साथ आपको देखने को मिलेंगी, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए आप यहाँ पर इस वाली स्टॉल में आप देखिए क्राउड कितना है यहाँ पर। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट लाइट एंड डिजाइन की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी गाइस। तो चलिए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शॉप का नंबर है 954, तो आप यहाँ पर विजिट करके ले सकते हैं। इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर बनारसी पान का भी मजा ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस बनारसी पान यहाँ पर इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं गाइस कितनी साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। ये आप देखिए काफ़ी साफ सफाई से यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया गया है, हाइजीन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद देखिए गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए गाइस इस तरीके से यहाँ पर ये डेकोरेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारा का सारा फूड जोन है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये देखिए गाइस इसके बाद अब हम आ गए हैं नेपाल साइड में, और ये देखिए नेपाल में आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी गाइस। ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, ये आई थिंक कोई डेकोरेटिव आइटम ही होगा। ये देखिए ये सब नेपाल से हैं। और देखिए गाइस ये सामने अफगानिस्तान के स्टॉल्स हैं, और इसमें मार्वल के काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस लॉयन बहुत ही हैवी, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। इसका प्राइस क्या होगा भैया? ये गाइस देखिए 3 लैक्स का पेयर आपको मिलेगा, ये जो मुझसे मूव भी नहीं हो रहा है। ये देखिए सारे मार्वल के बने हुए हैं, काफ़ी हैवी है, आई थिंक एक जने से तो उठने वाले भी नहीं है। ये भी एक डेकोरेटिव स्टफ है। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे शॉप के अंदर। यहाँ पर छोटे छोटे आइटम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए कुछ भी छोटी मोटी चीज़ आपको यहाँ पर पीसनी है। ये इनाम दस्ता 500 रुपीज़ का है, ये आप देख सकते हैं गाइज काफ़ी बढ़िया। ओ वाह, ये देखिए गाइज बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइज। ये देखिए ये एलिफेंट, ये आप देख सकते हैं।
मम्मी। चलिए गाइस अभी हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये है उगांडा की स्टॉल। ये आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली गाइस यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग आए हैं अपनी अपनी चीज़ों के लेकर के, तो मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता हैं। तो जब आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो वही आपको उसकी जो भी स्पेशल है उसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद गाइस आपको देखिए बच्चों को अपने संभाल के रखना, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे मेले में, जो आपके बच्चों को डरा भी देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये गाइस देखिए थाईलैंड की स्टॉल है, यहाँ पर गर्ल्स के काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्कार्फ वगैरह। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये भी थाईलैंड की स्टॉल्स हैं सारी आगे तक। इसके बाद गाइस ये देखिए जो लाइटिंग वाली आपको दिखाई दे रही है सीरिया की है। चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये प्रॉपर मोती से काम किया गया है इसका। ये सीरिया के स्टॉल्स पे आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको गाइस काफी अच्छा स्टफ देखने को मिलेगा। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, किचन वगैरह आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये का गेट नंबर 4। यहाँ से आप एग्जिट और एंट्री भी ले सकते हैं। इसके बाद गाइस आप देखेंगे ये इस तरीके से कुछ डेकोरेट किया गया है मेले को, और आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और आप गाइस देख सकते हैं कितना क्राउड हो चुका है, शाम का टाइम है, और देखिए गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी स्पेस नहीं है अंदर जाने के लिए। ये देखिए गाइस एक बार आप क्राउड देखिए, कितना क्राउड है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं गाइस। और अभी सिर्फ तीसरा ही दिन हुआ है मेले की स्टार्ट, मेले को स्टार्ट हुए। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये इस तरीके से यहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं यहाँ पर इनके बोर्ड। तो चलिए एक एक करके अभी हम आपको सारा मेला घुमाते हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम आपको मेले की दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आप यहाँ से देख सकते हैं ये है उज़्बेकिस्तान का गेट, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं उज़्बेकिस्तान में। ये आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उज़्बेकिस्तान की चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। हेलो हाय, व्हाट इज़ द प्राइस? 300 रुपीज़। इज़ देयर एनी स्पेशल? उज़्बेकिस्तान समर का। इट्स फ्रॉम ओके समर कलेक्शन, व्हाट? Is there any special in it? No, no. Okay, it's 300. All right. And what is the price, sir? 300, 200, 500. Okay, 300, 200, and ये है 500. ये देखिए ये आपको handbag मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। And sir, what is this? This cocoon, silk cocoon. Cocoon, silk. Okay, okay. एनीवेज ओके थैंक यू। ये आप देख सकते हैं गाइस ये उज़्बेकिस्तान की दूसरी स्टॉल्स है। यहाँ पर भी कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं। ये देखिए आप ये कुछ बैग वगैरह मिलते हैं। मैम व्हाट इज़ द प्राइस? 400 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छे इस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये आप देख सकते हैं सारा हैंड वर्क है। ये देखिए एंड व्हाट इज़ दिस मैम?
इज मैग्नेट ऑल्सो ओके 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 थैंक यू एंड व्हाट इज दिस मैम इट्स अ नॉर्मल पेन इट्स अ टाइमर व्हाट इट्स अ वॉच वॉच ऑल राइट थैंक यू एंड गाइस देखा जैसे कि आपने यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको दो स्टॉल्स दिखाई हैं उज़्बेकिस्तान की इसी तरीके से आप देखिए आपको ये उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकिस्तान की ही स्टॉल्स दिखेंगी इस तरीके की काफ़ी सारी हैंडमेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जैसे कि हैंडबैग इयररिंग्स और देखिए काफ़ी सारे स्टफ्स हैं यहाँ पर ये देखिए डॉल्स भी हैं यहाँ पर ये इस तरीके से मैम प्राइस व्हाट इज़ द प्राइस 300 रुपीज़ का ही आप देख सकते हैं गाइस इस वाली शॉप पर ये बड़ा साइज़ है वहाँ पर छोटा साइज़ है तो आप यहाँ से लेना क्योंकि ये बड़ा साइज़ है इसका यहाँ पर आपको मिलेगा एंड गाइस इसके बाद देखिए आपको ये कुछ इस टाइप की चीज़ें भी मिलेंगी मैम व्हाट इज़ द प्राइस मैम 500 रुपीज़ ओनली फॉर दिस ऑलराइट थैंक यू ये आप देख सकते हैं गाइस अलग अलग चीज़ें आपको काफ़ी डिफरेंट प्राइस में आपको यहाँ पर मिलेगी ये देखिए आपको यहाँ पर ये कुछ ब्लेजर टाइप मिलने वाले हैं ये देखिए आपको 24,000 रुपीज़ का है वो ओके ये आप देख सकते हैं गाइस 24,000 रुपीज़ का है ये जैकेट देख सकते हैं ये 24,000 रुपीज़ का है पता नहीं इसमें क्या स्पेशल है बट ओके ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी डिज़ाइन इस पर की गई है बट ये आई थिंक मुझे नॉर्मली लग रहा है बट ठीक है ये आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास ये आप देख सकते हैं गाइस हैंडमेड है और ये 3,000 रुपीज का है इट्स एक्चुअली टू कॉस्टली एनीवेज थैंक यू सर थैंक यू मैम गाइस अब हम आपको लेके जा रहे हैं फूड जोन में वैसे तो आपको पूरे मेले में काफ़ी जगह फूड की स्टॉल्स लगी हुई दिखाई दे जाएंगी लेकिन ये एक स्पेशल फूड जोन बनाया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें मिलने वाली हैं तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर ये देखिए ये अलग से ही एक फूड जोन बनाया गया है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी तो गाइस सबसे पहले मैं आया हूँ इस जलेबी वाली शॉप पर जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी लास्ट टाइम भी इसकी स्टॉल्स यहाँ पर लगी थी ये आप देख सकते हैं ये जलेबी का भाई जलेबा है जो एक पीस आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए गाइस तो कैसी लगी आपने टेस्ट करी अभी चलो तो फिर टेस्ट करके बताना कैसी लगी ओके इसके बाद गाइस देखिए इस टाइप के काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके प्राइस यहाँ पर हैं हेलो ये देखिए भैया कैसा लग रहा है भैया आपको अभी तीसरा दिन है क्राउड है अच्छा खासा बहुत बढ़िया लास्ट टाइम से अच्छा क्राउड है ना ये मैंने भी फील किया लास्ट टाइम मैं आया तो इतना क्राउड नहीं था ओके एंजॉय बाय ये आप देख सकते हैं गाइस मैं आपको यहाँ पर एक एक करके प्राइस दिखा देता हूँ ये देखिए काफ़ी नॉर्मल प्राइस हैं आप लोग विजिट करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से स्लिप लेनी होगी उसके बाद आप डायरेक्ट जाके फूड ले सकते हैं ये देखिए गाइस ये चाट स्टॉल है इसके बाद ये देखिए गाइस ये है फूड सॉरी कुल्फ़ी स्टॉल यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कुल्फ़ी मिल जाएगी पान कुल्फ़ी चॉकलेट कुल्फ़ी केसर कुल्फ़ी काफ़ी सारी कुल्फ़ी के ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे ये देखिए गाइस मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ वहीं पे ही ये ढोल नगाड़े आपको बजते हुए दिखाई देंगे गाइस इसके बाद गाइस देखिए अभी हम आए सिक्किम साइड में ये आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये सिक्किम का फूड मिल रहा है ये देखिए सिक्किम की स्टॉल है इसके बाद गाइस ये देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा ये देखिए अम्ब्रेला वगैरह यहाँ पर है ये तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ के जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं सभी एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर म्यूजिशियन डांसर सिंगर एक्टर
सारे यहाँ पर हैं, ये देखिए सभी लोग यहाँ पर इनके साथ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये देखिए ये आई थिंक शिमला के हैं मे बी, ये पता नहीं कहाँ के हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए एक डिफरेंट कंट्री के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके बाद ये गाइस देखिए राजस्थानी लोग हैं यहाँ पर, और ये गाइस देखिए दुबई, ये बात ये राजस्थान, और हिमाचल, और राइट ये हिमाचल और राइट थैंक यू। ओके अभी मतलब इनकी एक रैली निकलने वाली है पूरे मेले में, सारी कंट्रीज के जितने भी कलाकार हैं इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और इनकी एक रैली निकलने वाली है आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये देखिए पूरे मेले में ये रैली जाएगी अभी, और ये देखिए गाइस कितना क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए बस कुछ ही देरी में ये रैली निकलेगी और पूरे मेले के चारों तरफ ये घूमेगी रैली। ये देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, चलिए अभी हम थोड़ा यहाँ से आगे निकलते हैं। देखिए गाइस नाइजीरिया के भी लोग यहाँ पर हैं, गाइस मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ।
ये देखिए सारी कंट्री के लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए नागालैंड से हैं। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक अभी रैली निकलने वाली है जिसमें सारे कंट्रीज के जो भी कलाकार हैं वो पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। और देखिए गाइस, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मेले के मेन गेट के एंट्री गेट पर, और देखिए यहाँ से ये रैली स्टार्ट होगी और मेले के चारों तरफ बीच में ये रैली निकलती हुई जाएगी। ये बेसिकली हम सभी लोग जो भी अपने अपनी कंट्रीज के जो लोग आए हैं, अपनी अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस मेले में देखने को मिलेंगी। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस मेले में ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद गाइस आप दो लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति यहाँ पर मिल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। देखिए अगर मेला है तो नॉर्मल सी बातें तो थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, बट ये है कि जहाँ से भी आप बाहर से विज़िट कर सकते हैं उनके थोड़ा ऊपर नीचे ही प्राइस हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, हाय सर, ये चिकनकारी वॉक है ना, फुलकारी सो आप लोग देख सकते हैं, देखिए फुलकारी में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। भैया प्राइस की अगर बात करें तो क्या प्राइस होगा? 1000 से स्टार्टिंग है। ओके, और हाईएस्ट कितना होगा? 5000 तक। सो आप देख सकते हैं गाइस, इसके बाद देखिए गाइस काफ़ी सारे टॉयज़ की शॉप आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। 100 रुपीज़ का कोई भी एक टॉय आप यहाँ से ले सकते हैं। शॉप नंबर 368 के बगल में ये शॉप है, टॉय वाली शॉप का है 369। इसके बाद आप देखिए गाइस, ये कॉटन सिल्क है वर्क, साड़ी वगैरह आप यहाँ पे यहाँ मिल रही है। और ये देखिए गाइस, ये राजस्थानी लुक है, ये आप देख सकते हैं, एक राजस्थानी लुक यहाँ पर दिया गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर राजस्थानी फूड क्लॉथिंग कलेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए मैम बना रही हैं यहाँ पर, अपने हाथों से ही बना रही हैं। ये देखिए ये सब मिट्टी का है। हेलो, न्यूज़पेपर से बनाई है? ओके, आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। सो आप देख सकते हैं बिहार की स्टॉल है। मैम इसका प्राइस क्या होगा? 300 रुपये का। ये देखिए कितना रीज़नेबल प्राइस है, न्यूज़पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आपने क्या किया इसमें, मतलब न्यूज़पेपर को गला के बनाया है? न्यूज़पेपर को गला के फूटे हैं। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी को गला के फूटे हैं। तो ये ओके, अच्छा फेविकॉल भी इसमें ऐड किया गया है, पेंट किया है, मजबूत कर लिया है वो। अच्छा अच्छा, तो ये किस यूज में आता है मैम? ये बास्केट है, ये वे चाय का ट्रे है, चाय की ट्रे है, वो कप वगैरह रख कर ले जाने के लिए है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और प्राइस क्या होगा इसका? 300 रुपीज। ओके ओके, थैंक यू गाइस। मैंने आपको पूरा मेला दिखा दिया है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट हम दोबारा मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।